फ्रेंड्स एक से बढ़कर एक फ्लैट आप लोग के लिए लेके आने लगा हूँ, चाहे वो 1 BHK हो, 2 BHK हो, 3 BHK हो, 4 BHK हो, सर जर से मकान हो, इंडिपेंडेंट हाउस हो, एल टाइप का हो, कॉर्नर का हो, दिल्ली में किसी भी तरह का आपको अगर घर चाहिए सर आप हमारे पास आइए। एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, घर सही मिलेगा ही। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पे, घर सही मिलेगा यहीं। सर ये जो घर है 3 BHK का है, बहुत ही शानदार सा फर्निश्ड 3 BHK का फ्लैट, मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे, दिल्ली जैसे शहर में जिसमें आप लोन भी ले सकते हैं। सर अब हम लोग आपको लिए चलते हैं नीचे, दिखाता हूँ कि आप अपनी गाड़ी पार्क कहाँ करेंगे। जैसा मैंने बताया कि आपको कार पार्किंग मिलती है, यहाँ जो ये पूरा स्पेस आपको दिख रहा है यहाँ आप अपनी कार लगा सकते हैं। बिल्डिंग बाहर से आपको कैसी दिखेगी, इस तरह की आपको बाहर से बिल्डिंग दिखने वाली है, और साथ में रोड भी देखिए चौड़ी और साफ सुथरी आपको रोड मिल जाती है। चलिए सर अब आपने सारी चीज़ें देख ली, अब हम देख लेते हैं ड्राइंग रूम और बात कर लेते हैं डिटेल में अपने फ्लैट्स के बारे में। पहले ड्राइंग रूम दिखाइए राहुल, थोड़ा पीछे जाइए, देखिए यहाँ आराम से 7 से 8 आदमी बैठा जा सकता है, इस तरह का पूरा ये ड्राइंग रूम मिलता है। कॉफ़ी टेबल लगाए गए हैं, 2 पफी है, 5-6 सीटर सोफा यहाँ पे लगाया गया है। देखिए ये किचन का एक्चुअली आउटर लुक है, बट ड्राइंग रूम में भी इसका लुक आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इस तरह की बहुत ही प्यारी सी लुक दी गई है। बेडरूम में किंग साइज़ का बेड लगाया गया है, लगाने के बाद यहाँ ये पूरा वार्डरोब आपको मिलता है। देखिए इस तरह का फुल लेंथ में हम लोग ने पूरा वार्डरोब दिया है, इसमें स्लाइडिंग डोर यूज़ किए गए हैं, ऊपर इस तरह से सीलिंग की डिज़ाइन मिल जाती है, और यहाँ जो आप कर्टन्स देख रहे हैं इसके ठीक पीछे आपको विंडो मिलता है। बेडरूम में हम लोग ने अच्छा खासा स्पेस निकाला है, ऑलवेज निकालते हैं आप मूवमेंट के लिए आपको जगह मिल सके। यहाँ देखिए टीवी पैनल आपको मिल रहा है, नीचे 3 कैबिनेट्स दिए गए हैं, इसमें भी आप कुछ स्टोर कर सकते हैं, और इसी के साथ ये आपको अटैच वॉशरूम मिलता है। इसमें जितनी भी सैनिटरी फिटिंग है वो हम लोग लगा के दे रहे हैं, अच्छे खासे साइज में ये आपको मिल रहा है। इस तरह का पूरा आपको किचन में स्पेस मिलता है। शुरुआत कर लेते हैं हम लोग किचन में अपने साउंड प्रूफ सिंक से। सर ये सिंक जो है, बर्तन बहुत तेज से भी रखेंगे तब भी बहुत आराम से बहुत धीरे आवाज आएगी। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक चिमनी भी बहुत स्टाइलिश दी गई है, आपके हाथ के इशारों से ये चलेगी। इसके ऊपर इस तरह की आपको पूरी डिज़ाइन मिल जाती है। वाओ सर बहुत खुला खुला दिख रहा है ये बेडरूम, किंग साइज का बेड, बैक वॉल इस तरह की डिज़ाइन, स्प्लिट एसी की यहाँ पे वायरिंग की करके दी गई है। यहाँ फुल लेंथ में वार्डरोब मिलता है, और साथ में अगर आप चाहें तो इसमें कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड सामान रख सकते हैं। इस बेडरूम में भी आपको यहाँ टीवी पैनल मिल जाता है। आइए अब बैल्कनी में चलते हैं, आइए ये बैल्कनी आपको मिलती है, थोड़ा नज़दीक आइए राहुल, ये टैप दिखाइए। यहाँ टैप हम लोग ने दे दिया है, वॉशिंग मशीन का जो पाइप होगा वो इसमें आप लगाइए, यहाँ वेट एरिया बनाइए, आराम से कपड़े धोने के लिए यहाँ जगह बन सकता है। आपके थर्ड बेडरूम की भी यहाँ पे आपको एंट्री मिल जाती है, देखिए इस तरह का बड़ा सा अगेन बेडरूम मिलता है। ये पूरा यू टाइप में स्टोरेज के लिए यहाँ स्पेस दिए गए हैं, और वेंटिलेशन के लिए यहाँ विंडो भी दी गई है। आपने पूरी वीडियो देखी, हमारी सारी बात सुनी, इसलिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।